दोस्तों धन ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है स्कैन एक्स तो स्कैन एक्स एग्जैक्टली कुछ ऐसे काम करता है कि आपको यहाँ पे 200 प्लस फिल्टर्स एंड स्क्रीनिंग टूल्स मिलते हैं अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए एंड इस स्कैन एक्स को यूज करने के लिए आपको अलग से कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस या पैसा नहीं देना है बस आपके पास धन में अकाउंट है दैट्स इट देन यू कैन यूटिलाइज दिस टूल कंप्लीटली फॉर फ्री एंड अगर धन में आपका अकाउंट नहीं है तो प्लीज आप अभी ओपन कर लीजिए क्योंकि इसके लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों धन में अकाउंट ओपन करना कंप्लीटली फ्री है प्लस यहाँ पे साल भर की कोई ए भी नहीं लगती चले इस फीचर के बारे में मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताता हूँ चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यू कैन सी मैं स्कैन एक्स पे आ चुका हूँ तो ये जो लिंक है इससे आप यहां पे लॉग इन कर पाओगे इस लिंक को मैं आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बट फिलहाल आप इस वीडियो पे ध्यान दो क्या अमेजिंग चीज लोग इन करते हैं तो कोड से करने के लिए क्या करना है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए और अगर ना पता हो तो बता देता हूं कि आपको अपने धन के मोबाइल ऐप में लॉग इन करना है एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे आते ही डीपी पे टैप करें यहाँ पे नीचे आपको लॉग इन टू डेस्कटॉप का जो ऑप्शन मिलता है इस पे आप टैप कर दें एंड अब आपको स्कैन करना है एंड दैट्स इट योर लॉग इन बिन डन अब प्रोसीड अहेड टू ट्रेड कर दे एंड अब आपके सामने आ चुका है स्कैन एक्स का होम पेज यहाँ पे आपको ऊपर इंडाइसिस नजर आ जाएंगे ठीक है यहाँ पे इसी के बाजू में लाइव देन क्रिएट स्क्रीनर्स इनसाइट्स ये इस तरफ के टैब हो गए अब बात करते हैं यहाँ पे तो देन दिस इज वॉच लिस्ट जो आपने धन पे क्रिएट कर रखी है ना तो धन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आपने वॉच लिस्ट अपनी बनाई है वो आप यहां देख पाओगे पोर्टफोलियो अपना एंड पोजीशंस जो आज आपने क्रिएट की प्लेस करे हुए हैं या पेंडिंग एग्जीक्यूटेड जो भी है वो सारे यहां नजर आएंगे मार्केट लाइव है तो यहाँ पे इसका टाइमिंग भी नजर आ रहा है एंड यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको ये कुछ देखने मिलते हैं ऑप्शंस यहाँ पे मनी वाला ऑप्शन भी दिया है सो जिससे अगर आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड प्लेस करना है तो आप कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आप मनी पे टैप करके यहीं पे आप टॉप अप कर सकते हो अपने मार्जिन को या अपने यू you नो know, जो आपका कैश है आप बैंक से आप यहाँ पे धन में आप ला सकते हो ठीक है दिस इज इट अब समझते होम पेज को तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी लिखा है अगर आप इस पे क्लिक करो तो क्या होगा तो ये क्लिकेबल है एंड आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक स्क्रीनर आ जाता है एंड यहाँ पे आपको एल टी पी डेट स को एड करना है तो आप, तो आप यहाँ से एड फिल्टर्स पे क्लिक करके भी कर सकते हो जैसे यूनिवर्स प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन टेक्निकल इंडिकेटर्स कैंडल स्टिक पैटर्न फाइनेंशियल रेशियोज परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ थिंग्स ठीक है सो so, वॉट आई मीन डू से इज दैट कि आप यहीं से आप जो है डायरेक्टली आप अंदर चले जाते हो एंड आप स्क्रीनर्स में यू नो जाके आप और इसे कस्टमाइज कर सकते हो दिस वन अगर आपको किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आइए एंड आप स्टॉक को सर्च कीजिए नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया इस पे क्लिक तो Reliance Industries का आपके सामने पूरा डेटा लोड हो गया और एक चीज का ध्यान रखें कि Scanex पे आप जितना भी ये डेटा देख रहे हो ना स्क्रीनर स्कैनर एवरीथिंग ये हर एक डेटा लाइव मार्केट के साथ आपको लाइव बताया जा रहा है एज आई टोल्ड यू इसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं है सो so, आप समझ सकते हो कि आपको इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए अलग-अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एक्चुअली में पैसा देना पड़ता है बट एट देन दिस इज नाउ रियालिटी आई बीन देखो एक रुपया नहीं दे रहा है एंड सारी चीजें मैं देख रहा हूं ठीक है तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे स्टॉक का पूरा ओवरव्यू देन उसके फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे नीचे नजर आएंगे देन बिलो दैट देन इज कैश फ्लो जो आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग का पैटर्न पूरा नजर आता है तो एवरी डिटेल यूल बी एबल टू सी य अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बाई सेल करना है यहीं पे आपने जैसे सपोज करें बाई पे टैप कर दिया तो ऑर्डर फॉर्म आपके सामने आ गया दोस्त चलते हैं फिर से होम स्क्रीन पे एंड नीचे आपको लाइव मार्केट स्कैनर नजर आएगा जिसे हम आगे भी देखेंगे कि इसमें बुलिश सिग्नल्स में कौन सा स्टॉक आ रहे है अभी लाइव मार्केट ठीक है ये याद रखना तो ये लाइव मार्केट डेटा के साथ काम कर रहा है इसमें कोई भी आउटडेटेड डेटा नहीं है जैसे कि एक मिनट लेट दो मिनट लेट पांच मिनट लेट वो नहीं है ये लाइव है देन बैरिश सिग्नल पे कौन से स्टॉक्स है नियर लो सिग्नल नियर हाई सिग्नल ये है ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स भी है कि आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेंगे देन देर इज फंडामेंटल देन देर इज टेक्निकल प्राइस एंड वॉल्यूम कैंडल लॉट्स ऑफ थिंग बताता हूं और क्या है ठीक है चलिए ऊपर चलते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट इज लाइव तो सेकेंड ऑप्शन में जहां पे लाइव लिखा है

नियरिंग हाई पे अगर मैं इसे ऐसे क्लिक कर दूं तो अगर इसमें अगर कोई ऐसा डेटा होगा तो ये भी आ जाएगा देखिए ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डे हाई पे आया है तो ये नजर आ रहा है यहाँ से आप इंडाइस को सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी फिफ्टी एफ एन ओ स्टॉक्स हंड्रेड टू हंड्रेड निफ्टी फाइव हंड्रेड एज यू विश टू इसमें यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ये इंडाइस देखना यहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है नाउ लेट्स गो टू क्रिएट सो क्रिएट में क्या आता है यहाँ पे आप अपना मनपसंद स्क्रीनर जो है पूरा क्रिएट कर सकते हो ठीक है या स्कैनर पूरा क्रिएट कर सकते हो बताता हूँ कैसे तो जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको एन या बी चाहिए देन आपको इंडेक्स चाहिए निफ्टी फिफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो मार्केट कैप वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो प्राइस वाइज रेवन्यू इलाइज एफ आई आई है दिस इज वन थिंग यहाँ पे आपको एड फिल्टर्स का भी ऑप्शन मिलता है जिसपे अगेन आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप जो है अलग अलग इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हो नाउ इफ यू वांट समथिंग के जैसे यू नो चलिए एक चीज सिलेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल रेशो इसमें पीई या सेक्टर पीई के हिसाब से मुझे देखना है और मैं इस पर ऐसे अप्लाई कर देता हूँ तो दैट्स देखिए पी रेशो भी अब आना शुरू हो चुका है सो दिस इज यू कैन क्रिएट यू नो जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप पूरी एक स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक दिस तो सीधा न्यू स्क्रीन भी आप ऐसे क्लिक करके कर सकते हो जहां पे आप अपना यू you नो know, पूरा खेल खेल के फिर आप इसे सेव कर लो नाउ नेक्स्ट इज स्क्रीनर्स यहाँ पे आप ढेर सारे स्क्रीनर्स देख सकते हो जैसे कि फंडामेंटल स्क्रीनर्स में है बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट ये कौन सी कंपनी के आ रहे हैं तो ये आप यहीं पे बस ऐसे क्लिक कर लो एंड दैट्स इट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आ जाती हैं यू you नो know, भर के एंड आप देख सकते हो जैसे कि टाटा मोटर्स का बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट रहा है दैट इज बाय वो स्क्रीनर में है ट्रेंड का अच्छा रहा है कोलगेट पावोलिव का अच्छा रहा है एंड बाकी यहाँ पे इनके नंबर फिलअप होकर आ चुके हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम चेंजेस समयर ठीक है here, कि जैसे कि ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ इज मोर देन और इक्वल टू फिफ्टीन जो लिखा है अगर इसे ज्यादा हो तो ऐसा आपको चाहिए तो आप सिंपली कस्टमाइज़ पे भी क्लिक कर सकते हो एंड एक बार आपने इसे कर लिया, अब ये मिनिमम सपोज करें एक कर लेते हैं चलो 20 है ना इसको कुछ इस तरीके से कर लिया हो गया ये वैल्यू चेंज एंड स्क्रीनर रिफ्रेश हो गया आपके सामने आ गया सो so, यहाँ पे है ये पूरा मैजिक दोस्तों चलिए वापस स्क्रीनर्स पे चलते हैं आपको बताता हूँ और भी कौन से स्क्रीनर्स हैं तो केपेक्स बूस्ट है मिड मिड ओके माइटी कैप स्टॉक्स है नेगेटिव पोटेंशियल मल्टी वैगल्स कौन से है दिस यूर बी एबल टू सी स्टेल आर स्मॉल कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप में कौन से स्टॉक्स है जो जादू कर रहे हैं मार्केट में टाइटन लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो या अंडर वैल्यू नियर हाई वाले स्टॉक्स कौन से हैं नेक्स्ट इज टेक्निकल स्क्रीनर्स एंड इसमें आप देखें कितने डेथ क्रॉस ओवर गोल्डन क्रॉस ओवर मोमेंटम स्टॉक्स और और आर आर स्टॉक्स स्टॉक्स सोल्ड आप देखो यहाँ पे आपको जितने सारे टेक्निकल ये जो स्क्रीनर्स दिख रहे हैं ना ये आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम में स्टॉक्स ला के दे देगा फिर आपको उन स्टॉक्स में आके क्या करना है ट्रेडिंग करनी है इन्वेस्टमेंट करना है कुछ नहीं करना है ये सारी चीजें आप कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में है आपको उस चीज को शायद बेचना है तो आप इन स्क्रीनर्स के मदद से उसे चेक कर सकते हो कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है नेक्स्ट पे चले तो ये है इंट्राडे स्क्रीनर्स एंड इसमें देखो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स इंट्राडे क्रॉस ओवर देख रहे हो कितने सारे स्क्रीनर्स वॉल्यूम स्क्रीनर्स नेक्स्ट इज कैंडल स्टिक स्क्रीनर्स एंड यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन नाउ एंड अगर आपने कोई स्क्रीनर को सेव कर रखा है तो आप माय सेव्ड स्क्रीनर में भी देख पाओगे चलो अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मतलब इतनी सारी तो अमेजिंग चीजें आपने देख ही ली है स्कैनेक्स के बारे में बट अब आपको जो बताने वाला हूं वो आपके लिए लिटरली एक यू नो गोल्ड माइन होने वाला है एंड देखिए आपके सामने आ चुका है सो दिस इज द हीट मैप सो इन में आपको हीट मैप दिखता है एंड पूरा का पूरा देखिए ये निफ्टी 50, 50 का हीट मैप आपके सामने है तो इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप सेंसेक्स का भी देख सकते हो एंड ऑब्वियसली आपको जिस किसी इंडेक्स का हीट मैप देखना है यू कैन सी देन साइज बाय में आप यहाँ पे कर सकते हो मार्केट कैप पी रेशो पी बी रेशो जैसे आपको देखना है एंड कलर बाय कैसे करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है सो दिस इज हीट मैप और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो आपको बताता हूँ नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यूएशन सो अभी जो लोड हुआ ना इसे आप ध्यान से देखें ज मार्केट वैल्युएशन मैं सिर्फ इसमें निफ्टी फिफ्टी को लगाता हूँ नाउ मैंने फाइव ईयर सिलेक्ट किया हुआ है एंड ये है पीई रेशो ऑफ निफ्टी दोस्तों आप सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के टाइम पे खास करके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे तो कहा जाता है कि पीई रेशो -E का बहुत ध्यान रखे सो पी रेशो पे अगर आपको और ज्ञान चाहिए तो आप उसे सर्च इंजिस में देख सकते हो बट आपको यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का पूरा पी -E रेसो नजर आता है आज के डेट में दोस्तों काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइव पी रेशो देने के लिए निफ्टी फिफ्टी का अलग से चार्जेस लेते हैं ठीक है दिस इज समथिंग जो धन आपके लिए लाइव लेके आया है आप देखिए अभी आज के डेट में जब वीडियो बन रहा है तब इसका ये जो पी ई रेशो बता रहा है डेट इज 23.28 निफ्टी का आप देखें तो कोरोना के टाइम पे या पेंडेमिक टाइम्स में जब पहली बार जब ये लॉकडाउन लगा था ना तब 17.15 का जा चुका था पी ई रेशो ठीक है एंड ऊपर में 2021 में ये 42 भी जा चुका है निफ्टी का पी रेशो सो so, रिफ ये जो पी रेशो का जो नॉलेज है ये आपको या ये जो डेटा है ये आपको रियल टाइम यहाँ से देखने मिलता है ठीक है नेक्स्ट इज बल्क या ब्लॉक डील्स जो स्टॉक में आ रही है या स्टॉक्स में आ रही है एंड ये है आज की बल्क डील्स आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में जो हुए हैं देन इज ब्लॉक ब्लॉक डील्स डील्स आप देखें जोमैटो में आज कितनी सारी ब्लॉक डील्स हुई है तो एट दिस प्राइस एट दिस एवरेज प्राइस एंड ये सारा डेटा आपको देखने मिलता है वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स दैट इज एफ एन ओ बेन विच इज एमडब्ल्यू पी एल विच इज मार्केट वाइड चल रहे हैं तो ये आपको यही ये पे नजर आ जाएगा पॉसिबल एंट्रेंस कौन से हो सकते हैं जो एफ एन ओ पे you know, जिसपे बैन लग सकती है नई पोजिशन बनाने पर तो देखिए पॉसिबल वाले आ जाते हैं पॉसिबल एंट्रेंस वाले ठीक है पॉसिबल एक्सिट्स वाले कौन से हो सकते हैं जो अभी बैन में हो और शायद फिर बाहर आ जाए बैन से तो वो भी आपको यहीं पे नजर आएंगे इसी के बाजू में आपको पे का ये जो टैब मिलता है मतलब इस इसके आप क्लिक करोगे तो आपने धन में जो वॉचलिस्ट बना रखी है ना वो आप यहीं पे देख पाओगे नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो आपके धन का पोर्टफोलियो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो देर इज पोजिशन ऑल्सो आपकी आज की पोजिशन बताई जाएगी या एफ में कोई पोजिशन है है तो वो भी यहाँ पे बताई जाएगी आपके ऑर्डर्स जो पेंडिंग एग्जीक्यूटेड कैंसल जो सारे ऑर्डर्स है वो आप यहाँ पे देख पाओगे एंड दैट्स एंड सो ये है स्कैन एंड ये है इसका पूरा प्लेटफॉर्म ठीक है अगर आपको स्कैन के बारे में कोई एक पर्टिकुलर यू नो फीचर को लेके उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज दीजिए कमेंट्स में जरूर बताना बाकी ये वीडियो अच्छी लगी ये फीचर्स अच्छे लगे जो धन के तरफ से आ रहे हैं एंड इसके बारे में जो मैं आपके लिए यू you नो know, वीडियो बना के लाते रहता हूँ ये सब आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाइए दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है मन में कोई क्वेरीज या डाउट्स या क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.